बेईमान है ये वर्दी उन्हें मजबूर बनाती है, जो ईमानदार है ये वर्दी उन्हें मजबूत बनाती है। वो खाकी वाले कहलाते हैं, वो खाकी वाले कहलाते हैं, जिनके कंधों पर भार रखा जंजर की अभिलाषा का, जो धरती है मानव की परिभाषा का, मानव का जो तर रख कर भी निज अधिकारों से वंचित होते हैं। Indeed, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. A Delhi Police Constable, Than Singh, is using this weapon to transform the lives of slum children living near the Red Fort area. In conversation with PBNS, Than Singh opens up about the genesis of this Pathshala. My duty is here. मैं लाल किला में पोस्टेड हूँ, पीपी रेड फोर्ट में और कोतवाली थाने में, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में हूँ। तो ये मेरे को एरिया दिया गया था। तो मैम, ये लाल किला है, ये वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट है और मैम यहाँ पर सब जगह के टूरिस्ट आते हैं, जो पूरे वर्ल्ड का टूरिस्ट यहाँ आता है। तो मैम, ये इनके माँ बाप सब झुग्गियों में ही काम करते हैं, यहीं पर लाल किले में ही काम करते हैं। और ये इनके बच्चे थे मैम, ये बच्चे पूरे दिन ऐसे घूमते थे, मैंने देखे, बोतलें बिन रहे थे, कोई देखता था, कई फ़ोटो खींचते थे, कोई क्या करता था। तो मैंने कहा यार ये चीज़ें गलत हैं, ताकि इन बच्चों को ये चीज़ें, एक मैम अगर एक बच्चा अगर गलत रास्ते पे चले जाएगा ना, अगर वो बोतल बिनने से वो 50 रुपये कमा लेगा, दूसरा कहेगा मैं भी बोतल बिनूंगा, मैं भी 30-40 रुपये कमाऊंगा। तो ऐसे करते करते मैम ये सब बोतलें बिनने लग जाते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, इनको पढ़ाया जाए इनको, क्योंकि मैम मैं खुद जे कॉलोनी में रहा हूं, मैंने खुद स्थिति देखी है, तो मुझे पता है कि ये चीज़ें कैसी होती हैं। तो मैंने सोचा इनको थोड़ी सी प्राथमिक शिक्षा मिले, जिससे कि बच्चे थोड़े से पढ़ें। अगर पढ़ने के बाद ना मैम मेरे, अगर मेरे थोड़ा सा अगर पढ़ाई से इनका फायदा हो जाए, तो मैम इससे बड़ी अच्छी चीज और क्या हो सकती मेरे लिए। Than Singh has been running this Pathshala for 6 years now. Currently there are 50 children studying at Singh's Pathshala. The youngest is 3 and the oldest 15 years old. They are taught from 3 PM to 6 PM. The function of education is not limited to knowledge, intelligence plus character. That is the goal of true education. Singh ensures doing all that and more for these children. पढ़ाई के साथ साथ इनको मैं हर चीज़ का ज्ञान करवा रहा हूँ, इनको हर चीज़ का, खेल कूद कंपटीशन, हर चीज़ का, ड्राइंग कंपटीशन, खेल कूद का कंपटीशन, और मैम यहाँ तक कि नाटक वगैरह हर चीज़, अच्छा गलत हर चीज़ के बारे में बताया जाता है। और इन्हें, इनके कभी कभार इनके पेरेंट्स को ही बुलाया जाता है, उनके पेरेंट्स के संग मीटिंग भी की जाती है। मैं अपने सीनियर अफसरों को बुलाता हूँ, जिससे कि वो एक बार मीटिंग की जाए। और मैम ये नहीं है कि मैम इनको जैसे कोई भी फंक्शन होता है तो इन बच्चों को इन फंक्शनों में घुमाया जाता है, ताकि इनका भी दिल लगा रहे, इनको भी लगे कि इनको एक उत्साह हो। मैम अब ऐसे ऐसे बच्चों को इतना अपना उत्साह है कि ये बच्चे अपने आप आते हैं। और ये मैम अगर इनका 3 बजे का टाइम है तो ये 2 बजे अपने आप आके बैठ जाते हैं और अपने आप बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो मैम मेरे, जो मैंने मुकाम सोचा तो वो मेरा मुकाम हासिल हो गया है। अब मेरा मुकाम यही है कि हर बच्चों को पढ़ा सकूँ, बस मेरा यही मुकाम है। अम्ब्रा, रेन, विंटर्स, नो वेदर शुड विदर देयर एजुकेशन, सिंग्स पाठशाला नेवर स्टॉप्स। मैम उनकी शिक्षा ना रुके, क्योंकि सर्दियों में बहुत ठंड होती है, तो सर्दियों के लिए, फिर सर्दियाँ भी होती है, बारिश भी होती है, तो उसके लिए मैंने ये कमरा एक छोटा सा पोटा केवन टाइप में बना दिया। ये मैंने, मेरे बस की तो नहीं है मैम बनवाना, ये मेरे सारे अफसरों की मेहरबानी है, जो उन्होंने थोड़ा सपोर्ट कर करके, तो यानी सबों ने मिलकर तो ये कमरा एक तैयार किया गया। मैम देखिए मैम, यहाँ वर्ल्ड एनिमल्स नेम वगैरह, ये TV भी लगा रखा, ताकि इन बच्चों के लिए जिन्होंने कभी TV का ही वो ना हो, तो इन बच्चों को TV के लिए हर चीज़ दिखाया जाता है, हर चीज़ के बारे में इन्हें समझाया गया। ये मैम आपको मैंने बताया था, ये 3 उसमें बांट रखे हैं मैम, ये बच्चे वो बच्चे बांटे हुए हैं जो कि क्या कहते हैं, जो कि जिन्हें कायदे की ज़रूरत होती है। अब कायदा ये बच्चे कोई खो जाता है, कोई वो कर देता, तो मैंने इस क्लास को उस तरीके से बनाया है जिसमें ये कायदे का काम करे। देखिए मैम ये देखा होगा आप, ये देखिए ये वर्णमाला लिखाई गई है मैम, इसमें आ से अनार वगैरह सब दिखाया गया है। ये दूसरे में दिखाया गया है एलिफेंट, यानी कि अल्फाबेट, इसमें ABCD वगैरह सारा है मैम इसमें। ये मंथ से नेम लिखोगे, जनवरी फरवरी वगैरह सब कुछ। तो मैम, और मैम आगे चल, थोड़ा सा चलते रहेंगे, देखते हैं मैम, ये देखिए मैम, ये फ्रूट्स नेम है। तो यानी कि मैम ये बच्चों को खाली अब कायदा की ना ज़रूरत हो के ना, इस पर बच्चे का कम से कम मैम कायदे पर ध्यान ना जाए, इन पर ध्यान तो जाता है। गिनती बार बार बच्चा सामने देखेगा, तो वो जो चीज़ अगर आपके सामने डेली रख दे और वो आपको डेली फेस करने पड़े ना, तो आप वो जल्दी कैच करते हो। तो मैंने वही चीज़ एक इसको कायदे के रूप में पूरा वो बनाया इस रूम को, और इससे बारिश से भी बचा हुआ है, हर चीज़ से बचा हुआ है, ठंड से भी बचा हुआ है, और बच्चे खुश होते हैं। मैम इनको कार्टून भी दिखाया जाता है, हर चीज़ दिखाई जाती है, ताकि इन बच्चों का भी मनोरंजन होता रहे। मैम अगर हर समय पढ़ाई पर दिया तो बच्चे बोर हो जाएंगे, तो हर चीज़ का ध्यान है। इनका डांस भी करवाया जाता है, नाटक भी। इन दिस पाठशाला
girls and boys are told about good touch, bad touch. More than that, the children are taught to lead righteous life. मैम, शिक्षा हर व्यक्ति के लिए जरूरी है. शिक्षा से हर चीज का ज्ञान हो जाएगा. गलत का और सच का, गलत का और अच्छाई का भी ज्ञान होगा. हर चीज़ का शिक्षा के ऊपर डिपेंड करता है. मैम, अगर थोड़ा सा शिक्षा ले लें तो ये हर चीज़ को पढ़ सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं. गलत अभी मैम, जैसे लड़कियां हैं, अब लड़कियों को हर चीज़ समझाई जाती है, क्योंकि लड़कियां मैम बहुत बड़ी हमारे लिए चैलेंज होती है बच्चों के लिए, और अब उनका मुकाबला कर दिया हमारे लड़के भी इनके संग मिलके. तो यानी कि लड़कियों को बताया जाता है गुड टच, बैड टच, ये हर चीज़ों का ज्ञान दिया जाता है. तो मैम, ये शिक्षा अगर ये शिक्षा के बिना ये सब चीज़ अधूरा है, तो शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है. मैम, हम एक नुक्कड़ नाटक करते हैं. नुक्कड़ नाटक में इनको हर चीज़ को एक टीवी पे भी दिखाते हैं बच्चों को कि बेटा ये चीज़ गलत चीज़ है, इससे बेटा कुछ नहीं है, बेटा इससे आप अपने शरीर को ख़राब करोगे, और गलत चीज़ लगोगे तो फिर आप चोरी करोगे, ये करोगे. तो मैम, हर चीज़, जैसे मैम कई बच्चे थे मेरे पास आए थे जो गुटखा भी खाते थे, तो उनको बहुत काफ़ी मुश्किल लगा. लड़कियाँ भी थी, बच्चियाँ भी थी, जो काफ़ी मुश्किल लगा उनको रोकना. फिर उनको कहते कहते मैम अब इतना अच्छा लगता है कि उन्होंने सब कुछ ये छोड़ दिया है. मोस्ट ऑफ दीज चिल्ड्रन आर नाउ गोइंग टू स्कूल बिकॉज ऑफ द हेल्प एंड एफर्ट्स ऑफ थान सिंह. दे गेट मेडिकल कैंप्स, हेल्प फ्रॉम वॉलंटियर्स ऑफ माता सुंदरी कॉलेज एंड मोर. मैम, अब ये बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं. स्कूल जाने के बाद ये बच्चे फिर आते हैं यहाँ. अब ये मैम, शिक्षा तो दे सकता हूँ, प्रमाण नहीं दे सकता. प्रमाण के लिए स्कूल भेजना बहुत ज़रूरी है. कहा ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा. तो मैम, शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है. तो मैम, अब इन्हें वहाँ स्कूल जाएंगे मगर यहाँ भी आएंगे ये बच्चे, जिससे कि हर चीज़ में मैं इन्हें इन्वॉल्व रखूँ. पढ़ाई, शिक्षा, खेल कूद, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ. हर चीज़ तक का, हर किस चीज़ का मनोरंजन इन बच्चों को देना चाहते हैं. कोशिश मेरी यही रहेगी कि ताकि और आसपास के बच्चों को भी लाया जाए, इन बच्चों को देख के और आसपास के बच्चे भी आए, और ताकि उन बच्चों को भी शिक्षा में आगे तक मुहैया करा सकूं. नीलू अहिवर, अ स्टूडेंट ऑफ सिंह्स पाठशाला, हुज फादर डाइड ऑफ अ कार्डियक अरेस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो, सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन एन एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन ऑन अम्बेडकर जयंती. शी इज नाउ अमंग मेनी चिल्ड्रन ऑफ सिंह्स पाठशाला हु आर गेटिंग फॉर्मल एजुकेशन. ये है एक किस्सा खाकी का. Singh's Pathshala is supported and hailed by senior officers of the Delhi Police. ये हमारा नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के थाना कोतवाली में चौकी लाल किला है. वहाँ पर तैनात सिपाही थान सिंह, इन्होंने अपना जो ड्यूटी आर के अलावा इनको जो वक्त मिलता है उसमें एक बड़ा एक नोबल इनिशिएटिव, ये जो वहाँ के चांदनी चौक में लेबर हो गई, जो वहाँ पर और भी वैगाबॉन्ड जो आवारा लोग होते हैं, उनके बच्चे जो कि आम तौर पे जब माँ बाप चले जाते हैं तो वो बच्चे खुद आवारा बन जाते हैं या उनको कोई देखभाल करने वाला नहीं रहता, उनको इकट्ठा किया. पहल कुछ बच्चों से हुई, करते करते आज जो है ये इसमें 40 से ज़्यादा बच्चे 5-6 साल की उम्र से लेकर 15 साल तक की उम्र के ये थान सिंह की पाठशाला बोलते हैं हम, वहाँ पर है. दिल्ली पुलिस में हमारा ये रहता है कि क्राइम कम करने में डिटेक्शन के अलावा जो प्रिवेंटिव है, जो प्रोएक्टिव पुलिसिंग बोलते हैं, ये हमारी बड़ा रहता है. कहीं जागरूकता मिशन करते हैं, जन अभियान करते हैं, लोगों को बताते हैं अलग अलग क्राइम के बारे में, स्कूलों में जाते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं. इसी के चलते चलते जो क्राइम में जा सकता है पोटेंशियल, उसको वहाँ से रोकना, ये भी एक हमारी रहती है. इसमें ये एक बड़ा नायाब हमारे पास रहा है, एक इसको आप एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हो, इसको एक उदाहरण बोल सकते हो, कि ये बच्चे आज जो कि कुछ साल पहले एकदम जो जिस पे कोई ध्यान नहीं दे पाता और एक जिनको कोई एजुकेशन नहीं मिली है, अंग्रेजी बोल रहे हैं, इनको मैथ्स की पढ़ाई जो है और बड़ी अच्छी पोएम्स, अच्छा उनका खेल कूद में इनकी जो सारी एक्टिविटीज़ है उनका थान सिंह ख्याल रख रहा है. थान सिंह ने साथ में एक एनजीओ है उनसे बात की, और फिर ये माता सुंदरी कॉलेज है वहाँ की जो बच्चियाँ हैं 11th-12th की, वो यहाँ पढ़ाने आती हैं, और इन बच्चों को जो 4th में 3rd में 5th में है उसी के हिसाब से जो करिकुलम है वो बड़े बकायदा अच्छे से पढ़ाते हैं. In fact, the police is now looking forward to educate the mothers of these children too. तो अभी 26 जनवरी के आसपास जब एक प्रोग्राम हुआ था, हमने देखा कि इनकी जो माएँ हैं
मदर्स हैं वो आईं, तो वो भी बहुत हैं जिनको एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं मिल पाई, तो हमारा ये भी रहेगा कि उनको भी हम पढ़ाएं। हम एनजीओ से या किसी से बात करके ये चाहते हैं कि हम अपराध को तो रोकें ही रोकें, लेकिन अगर किसी तरीके से हम समाज की इस तरीके से भी सेवा कर सकते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी। इंस्पायर्ड बाय सिंह्स डेडिकेशन टू एजुकेशन, मोस्ट ऑफ दीज चिल्ड्रन नाउ वांट टू जॉइन द पुलिस सर्विसेज और बिकम अ टीचर व्हेन दे ग्रो अप। बच्चे जो होते हैं वो वही हमारा समाज का भविष्य है, हम बोलते हैं। अगर इनको सही राह दी जाए, सही वक्त पे सही रोल मॉडलिंग हो जाए, तो यही बच्चे हैं जो कल को अफसर बनने हैं, यही बच्चों ने अलग अलग जगह जाना है। तो बिल्कुल, बच्चे पुलिस इसलिए बनना चाहते हैं, उन्होंने एक बड़ा एक क्या कहते हैं हम कि एंजल की तरह एक उन्होंने इस तरीके, हमारा एक रखवाला है थान सिंह सिपाही को देखा, तो ज़रूर वो बच्चे तो चाहते हैं कि हम भी थान सिंह की तरह बने। हम भी जब और भी अफसर भी जब उनसे इंटरेक्ट करते हैं, ये बात आपकी सही है कि वो कहते हैं हम पुलिस में आना है, और हमें बड़ी खुशी होगी अगर ये बच्चे, थान सिंह के बच्चे, कल को यहीं हमारे थानों में, हमारे ज़िलों में अगर पुलिस बन के आएँ। इससे ज़्यादा खुशी वाली बात क्या होगी।